सो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आपका योगेंद्र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोलो जर्नी। और ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है जो कि मैं पहुंच चुका हूँ गोवा में। ये बेसिकली नॉर्थ गोवा है और मैं रेलवे स्टेशन के रेल के थ्रू आया हूँ। रेलवे स्टेशन का नाम है करमली। ये जस्ट सामने ही आप मेरे देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन है, और ऐसा कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन है गोवा का जो आपको नज़र आ रहा होगा इधर से। अभी देखते हैं यहाँ से कोई टैक्सी वगैरह बुक करके मैं पहले अपने होटल जाऊँगा, देन उससे आगे का प्लान मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। चलो ओके गाइज, होटल पे चल के मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। जैसे कि कल आपने देखा होगा कि कल मैंने छोटा ही क्लिप बनाया था वीडियो का। मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि उसके पीछे रीज़न था, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है और मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका था। जैसे ही रेलवे स्टेशन से मैं उतरा गोवा पे, और रेलवे स्टेशन से उतर के मैंने इधर नॉर्थ गोवा में एक होटल किया हुआ था। एक्चुअली एक फ्रेंड का होटल था, तो मुझे इधर होटल पे आना पड़ा जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया और मैं काफ़ी टायर्ड हो गया था। तो कल आके फ्रेश फ्रूश हुआ, उसमें काफ़ी टाइम हो गया था तो मुझे शूट का बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आज सुबह उठा हूँ, मैंने स्पेशली वीडियो इसलिए अभी किया है कि आप देख पाए कि मॉर्निंग में मेरे होटल का क्या व्यू है और मेरा होटल कैसा है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ दोस्तों, देन उसके बाद मैं आउटसाइड का व्यू आपको दिखाऊंगा होटल का। चलिए रूम में चलते हैं। ये कुछ एंट्रेंस है मेरे रूम की, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ये कुछ मेरा होटल है, आप चेक कर पा रहे होंगे। ये इधर वॉशरूम, ये मुझे 900 रुपीस पर डे पे पड़ा हुआ है। और ये इधर अदर्स रूम है इधर, और ये एक बालकनी। इसके अलावा अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो ये आउटसाइड का व्यू है। ये कोई रोड गया हुआ है और जैसे यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है जो आप चेक कर रहे होंगे सामने जो आपको दिख रहा है। बस 5 मिनट की दूरी पे यहाँ से मिजुलम बीच है, मिजुलम सॉरी। ऐसा कुछ व्यू है मेरे होटल का आप देख रहे हो तो। ये मुझे 900 रुपीस पड़ा है, प्लस इसमें कोई कुछ एडिशनल चार्जेस है नहीं, हिडन चार्जेस नहीं है। और इसी होटल के टेरिस पे एक बार मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको इस होटल का डाइनिंग एरिया है, सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं। वहाँ से भी मैं कुछ आपको व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों एक बार देख लेता हूँ मैं उधर, अगर अभी ओपन है तो अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो चलिए दोस्त, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कुछ टेरिस का व्यू है, आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। और ये मेरे होटल का दो फ्लोर का व्यू है, ये सारा सीटिंग और डाइनिंग एरिया का, वो ये बार किचन उसके साथ में। ये यहाँ कुछ स्पीकर वगैरह लगे हैं जिस पे आप अपना मन पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। ये लाइटिंग, और इधर से मैं अगर आपको दिखाता हूँ दोस्तों एक बार, अगर आपको सामने नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं वो सामने दूर यहाँ से सी व्यू आ रहा है जिसके लिए मैं अभी जाऊंगा। सोलो ट्रैवल के हिसाब से बात की जाए तो थोड़ा सा कॉस्टली है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, अगर 2 पर्सन आ रहे हैं तो 450 का अराउंड पर पर्सन पड़ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा बुरा नहीं है 900 रुपीज़ में। चलते हैं, अभी नीचे चलते हैं दोस्तों।
अपने रूम में। और सो दोस्तों चलते हैं फिर, सबसे पहले हम बीच पे चलते हैं और कुछ वहाँ पे देखते हैं फिलहाल मॉर्निंग का क्या नज़ारा है बीच का। सो लेट्स गो दोस्तों। सो मैं बाहर की बात करूँ तो कुछ ऐसा होटल दिखता है मेरा, मैंने बताया आपको 900 रुपये दिन के हिसाब से बुरानी है दोस्तों दो गोवा की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी सिचुएशन में। और ये रास्ता सीधे भी बीच की तरफ गया है और आगे से लेफ्ट जाके अगर हम चाहे तो ये शॉर्टकट है बीच के लिए। मैं कल शाम को भी बीच पे गया था, शाम तो क्या लेट नाइट हो चुकी थी। ऐसा कुछ रोड का नज़ारा है। इधर गोवा में आपको ऐसी शॉप काफी मिल जाएगी। सो आज फिर एक बार शॉर्टकट के हिस्से चलते हैं। एक कैरो का निशान इधर से है, मैं कल इस रास्ते से गया था, एक रास्ता ये गया हुआ है, इस रास्ता काफी डरावना सा है। रात के टाइम इधर लाइट नहीं होती तो इनकेस अगर आप इधर आओ नॉर्थ गोवा में तो ये मिंजुलम बीच के आसपास मैं ठहरा हुआ हूँ और हम मिंजुलम बीच पे ही जा रहे हैं। सो मैं रात के टाइम बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा आपको इस रास्ते के लिए। हाँ दिन में आप आ सकते हैं। मिजलू में आई थिंक ये मोरजिम है, मैं ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आए भी ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं ऑलरेडी पहले भी एक बार। हाँ सो फाइनली दोस्तों रास्ता मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो इसको मोरजिम बोलते हैं आई थिंक, साउथ ये नॉर्थ गोवा में है मोरजिम जहाँ पे हम आए हुए हैं। अभी मोरजिम बीच की तरफ हम जा रहे हैं। अगर आप मैं आपको सामने से एक बार फिर से व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों, इधर का व्यू है जो बीच पे जाने का वो काफ़ी सुंदर है, आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ सॉरी ये सिंह बीच मोरजी, आप बोर्ड पे चेक कर पा रहे होंगे। सोचा तो मैंने ये था कि सनराइज होगा तो बीच पे जाया जाएगा सुबह जल्दी, लेकिन मेरी आँख मैं जल्दी से उठ नहीं पाया क्योंकि लेट नाइट सो हुआ था कल, तो इस वजह से उठ नहीं पाया। तो अभी सनराइज ऑलरेडी हो चुका है बट अभी भी व्यू काफ़ी अच्छा है इधर का अगर मैं बात करूँ तो। अभी सब शॉप्स और जितने भी ये क्लब्स हैं, क्लब आप उनको बोल सकते हैं, सब क्लोज है फिलहाल, अभी ओपन नहीं हुआ है कुछ भी क्योंकि मॉर्निंग का 8 o'clock का टाइम हुआ है अभी। और ऐसा कुछ नज़ारा है।
डॉग्स आर देयर ऑल्सो बीच का लुफ्त उठा रहे हैं। आपको सी की आवाज़ आ रही होगी दोस्तों,